अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सुबह की मॉर्निंग से। यहाँ पे मैं सुबह उठ चुकी थी और सुबह उठने के साथ मैंने विंडो पे की हाजिरी और उसके बाद चली गई स्कूल। और यहाँ पे मैं निकल गई थी अपने स्कूल के लिए। और मैं रोज़ ही इस रास्ते से जाती हूँ, तो आज भी इस रास्ते से जा रही थी। और आज मैं अपने टाइम से थोड़ा सा पहले निकल गई थी क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियो इसके लिए। और सुबह का जो मौसम था काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, ना ही कोई ज़्यादा गर्मी थी ना ही कोई ज़्यादा धूप थी, बस अच्छा सा मौसम था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी अपने स्कूल में। और यहाँ पे बस मैंने बच्चों का काम हमारे पकड़ा करवा के मैं वेट कर रही थी छुट्टी का, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी। और यहाँ पे हमारी फाइनली छुट्टी हो चुकी थी और मैं आ रही थी अपने घर वापस। और वापसी में भी धूप छाँव से थी, मतलब जैसे सुबह वेदर था वैसे था। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने घर और बस यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैंने डॉन डिस्टर्ब का लगाया बोर्ड और मैं सो गई। और फिर हम लोग जब सो के उठे अफ्तारी के बाद हम लोग चले गए थे बाज़ार, क्योंकि मुझे अम्मी को, छोटी सिस्टर को और भाभी को, हम चारों को लेनी थी अपने अपने ड्रेसेस की बेल और बटन्स वगैरह, इस टाइप की चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो बस हम जल्दी से पहुंच गए अफ्तारी के बाद बाज़ार। और वहाँ पे हम लोग जितनी जल्दी कर रहे थे वहाँ पे उतना ही ज़्यादा रश था कि ईद के दिन करीब है तो लोगों के मार्केट वगैरह में चक्कर लगते रहते हैं। फिर यहाँ से मुझे अपने ड्रेस के लिए लेने कुछ पर्स, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं कौन से लूँ, क्योंकि मुझे लेना आते नहीं है अम्मी के बगैर। अगर मैं अम्मी के साथ कहीं बाज़ार वगैरह चली जाऊँ तो बस मुझे उम्मीद होता है कि अम्मी ही मुझे अपनी पसंद के दिलाएँ। और अगर मैं जैसे खुद से जाऊँ तो मुझे समझ भी नहीं आता मुझे क्या लेना है। और यहाँ से मैंने अपने लिए थी सेफ्टी पिंस वगैरह। उसके बाद यहाँ पर गुजरते गुजरते मेरी बहन की नज़र पड़ गई थी एक ड्रेस पर, उसने बोला कि मुझे लेना है, बस लेना है। फिर यहाँ से हमने ड्रेस लिया आयशा के लिए, छोटी सिस्टर के लिए। और बस उसके बाद हम लोगों को रास्ते मतलब ज्वेलरी पे नज़र पड़ गई, तो यहाँ से हमने ज्वेलरी भी देख ली, छोटी मोटी जो हमें पसंद आई वो हम लोगों ने ले ली थी। पठान के पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी थी और वैसे भी इन लोगों के पास ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी होती है। उसके बाद मुझे लेनी थी यहाँ से ब्लैक कलर की चूड़ियाँ, बट प्लेन ब्लैक, मुझे ब्लैक प्लेन चूड़ियाँ यहाँ से नहीं मिली। उसके बाद फिर हम लोगों ने ली थी यहाँ से, मुझे ये वाली रिंग बहुत पसंद है, फाइनली मुझे ये वाली रिंग यहाँ से मिल गई, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत ख्वार हुई थी। मैं बहुत जगह से देखी लेकिन मुझे नहीं मिली और बाज़ार में भी बहुत दफ़ा मालूम किया था लेकिन अब फाइनली मिल गई। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बाज़ार के बाहर वाले हिस्से में, यहाँ से मैंने मतलब अम्मी ने सब्ज़ी वगैरह ली और मैंने कुछ दुपट्टे वगैरह भी लिए थे अपने सूट के साथ। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, तो यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म चाय पेश की और फिर मैंने पिया ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती। और इस मैं ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पीते पीते अपना ब्लॉग को करने वाली हूँ ख़त्म। तो आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।